अस्सलाम वालेकुम, मुझसे ना किसी ने यूट्यूब में रब्ता किया था। उन्होंने कहा था कि गाड़ी की एवरेज 6-7 है, और जिससे उन्होंने गाड़ी ली है उन्होंने कहा है कि जी इसकी हमने काफ़ी कुछ चेंज करवाया है, इंजेक्टर भी चेंज करवाया है, फ्यूल फिल्टर पंप वगैरह सब कुछ। तो मैकेनिक कहते हैं जी इसकी थ्रोटल ख़राब है। थ्रोटल की सूरत में ख़राब होगी कि आपकी फ्यूल इफेक्ट करेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस टाइम इसका ये पैसा घिस जाएगा ना अंदर वाला, ये जो कॉइन है कॉइन पित्तल की, ये घिस जाएगी तो गाड़ी ज़्यादा आरपीएम में रहेगी, मतलब कि 700 पर नहीं टिकेगी, 900 पर चली जाएगी, ऐसा ऐसा और घिसता जाएगा, 1000 पर चली जाएगी। ऐसी सूरत में आपकी थ्रोटल रिप्लेस होती है, सही हो गया। लेकिन इस तरह से बहुत कम चांस है कि वो आपकी गाड़ी फ्यूल में फ़र्क डालेगी, माइनर सा फ़र्क डालेगी, क्योंकि थ्रोटल 1100 आइडल पर कर देगी तो आप आइडल पर कितनी देर गाड़ी खड़ी करते हैं, बहुत कम करते हैं, मोस्टली तो गाड़ी ड्राइव पर ही रहती है। ये इसका एडजस्ट वाला नट होता है जो ये लगा हुआ है सामने, जो ये आपने थ्रोटल चेक करनी है कैसी पोजीशन में सही है कि नहीं। आपने इस नट को बिल्कुल ढीला कर देना है, अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाए, ढीला करते करते आरपीएम ड्रॉप हो रहे हैं और आखिरकार आपकी गाड़ी बंद हो गई है, समझे आपकी थ्रोटल ठीक है। अगर इसको ढीला करने से आपकी थ्रोटल 1000 या 1100 आरपीएम है और आरपीएम कम नहीं करी तो थ्रोटल ख़राब है। ये वायर चेक कर लें, इसमें लचक होनी चाहिए, अगर इसमें लचक नहीं होगी तो भी आरपीएम ड्रॉप नहीं होगी वो नट ढीला करने से, सही हो गया। अगर आरपीएम ड्रॉप नहीं हो रहे नट ढीला करने से तो आपकी थ्रोटल चेंज होने की पोजीशन में, अदरवाइज थ्रोटल गाड़ी आपकी बंद हो रही है, आरपीएम ड्रॉप कर रही है नट ढीला करने से, तो आपकी थ्रोटल ओके है, फिर आपको थ्रोटल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी की फ्यूल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ओके हो गया। गाड़ी में फ्यूल में फ़र्क क्या चीज़ डालेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये टीपी सेंसर है, सही हो गया। ये जो टीपी सेंसर है ये फ़र्क डालेगा आपकी गाड़ी में एवरेज में, मैप सेंसर ये फ़र्क डालेगा एवरेज में। तो अगर आपकी थ्रोटल सही है, आरपीएम ड्रॉप कर रही है नट ढीला करने से, और फिर भी कोई कोड आ रहा है, चेक लाइट है, तो इन दो चीज़ों की हो गई, चेक लाइट भी नहीं तो फिर ये भी वर्किंग में ठीक है, फिर आपको थ्रोटल चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही चॉइस चेंज करने से गाड़ी फ़र्क डालेगी। ये इसका थ्रोटल पोजिशन सेंसर है, टीपी सेंसर, कितनी थ्रोटल खुली है, कितनी आपने थ्रोटल दी हुई है, ये ईसीयू को सिग्नल भेजता है और ईसीयू फिर आगे से परफॉर्म करेगा उस लिहाज से हर चीज़ को जितनी आपने थ्रोटल दी हुई है। इस मॉडल में और कुछ मॉडल में ये एडजस्टेबल आया है, दो नट से एलकी के नट होते हैं, मैंने खैर चार मुंह के लगाए हुए हैं, ये एडजस्टेबल होता है, इसकी कैलिग्रेशन आप कर सकते हैं। इसकी कैलिग्रेशन आइडियल जो है कैलिग्रेशन पीक और रिकमेंडेड जो है वो 0.5 वोल्ट पे है आइडल पे। अपनी गाड़ी का आइडल सबसे पहले 700 पे सेट करें, इस नट से, इस थ्रोटल को मल के नट से ना, नीचे जो नट लगा हुआ है इसको 700 आरपीएम गर्म पे जहाँ सेट होता है वहाँ सेट कर दें। उसके बाद टीपी सेंसर को आपने 0.5 वोल्ट पे एडजस्ट करना, ये दो नट खोल के नीचे को कैसे एडजस्ट करना मैं बता देता हूँ। टीपी सेंसर में तीन वायर होती हैं, 5 वोल्ट ईसीयू से आते हैं, ग्राउंड होता है, और फिर एक वायर सिग्नल की होती है जो ईसीयू को जाती है टीपी सेंसर से। मैप सेंसर ये देखता है कि अंदर वैक्यूम कितना है इस टाइम एयर का, उस लिहाज से ये ईसीयू को सिग्नल भेजता है। इसमें भी तीन वायर होती हैं, एक 5 वोल्ट, एक ग्राउंड, और एक जो होती है सिग्नल वायर होती है जो ईसीयू को बताता है कि इस टाइम कितना वैक्यूम है मैनिफोल्ड में, ओके हो गया। ये डालता है फर्क फ्यूल में, टीपी सेंसर की एडजस्टमेंट होती है, उसके बाद ये उसी पोजीशन में काम करता रहता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने टीपी सेंसर के वोल्ट कैसे चेक करने हैं, मैप के वोल्ट कैसे चेक करने हैं, इनकी कैलिब्रेशन टीपी की कैसी करनी है, और ये दोनों वर्किंग में हैं या नहीं वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कैसे चेक होगा। सबसे पहले आपने मैप सेंसर का ग्रिप उतार लेना है और गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन कर देना है। ये आपका मल्टीमीटर है, इसको आपने 20 वोल्ट पे सेट करना है और डीसी 20, ये डीसी आ गया, ये 20 वोल्ट पे सेट कर देना है आपने। इसकी जो ग्रिप को ऊपर यूँ सीधा पकड़ें, ये जो टॉप इसका लॉक है यूँ पकड़ने इसको आप, ठीक है। इसकी जो सबसे पहली वायर है ना, ये पॉजिटिव की है, ठीक हो गया, और ये ग्राउंड की है। यहाँ पे लगाएं वो देखें 5 वोल्ट से ऊपर आ रहे हैं, मतलब 5 वोल्ट लाजमी आने चाहिए। अगर आपके 5 वोल्ट आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपका ग्राउंड भी ओके है और आपका 5 वोल्ट भी सही आ रहा है, आपकी कनेक्टिंग वगैरह हर जगह की सब कुछ ओके है। अगर ये 5 से कम आ रहे हैं तो फिर आप समझ जाए कहीं से कोई लूजिंग है। उसको चेक करने का ये तरीका है कि आप इधर लाओ, आप उसके बाद 5 से कम आ रही हैं दोनों को लगाने से, 5 से काफ़ी कम आ रहे हैं तो पॉजिटिव वहीं लगी रहने दें, नेगेटिव को आप ग्राउंड पे लगाएं,
ये इसकी मल्टीमीडिया की नेगेटिव को कहीं भी ग्राउंड पे लगाएं, अगर यहाँ से पांच पूरे आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है आपका ग्राउंड थोड़ा वीक है, अगर कम आ रहे थे पहले। फिर आपने क्या करना है, ग्राउंड पे आपने इसकी मल्टीमीडिया की नेगेटिव लगानी है, ये आपने पॉजिटिव पे लगाना है, और यहाँ पर देखना 12 वोल्ट से ऊपर है, अगर कम है तो फिर आपकी ग्राउंड कम आ रहा है, तो ग्राउंड की अट्रैक्टिविटी देखें कहीं से लूजिंग होगी। अभी मेरी गाड़ी का ग्राउंड भी पूरा आ रहा है और 5 वोल्ट भी, ये आपने इतना ज़्यादा तभी चेक करना है कि जब आपको इन दो तारों पर ना पहली और आखिरी पे लगाने में 5 वोल्ट पूरे ना आए तब चेक करना है। अगर 5 वोल्ट पूरे हैं तो इसका यही मतलब है कि अभी गाड़ी में इस टाइम ऐसा कोई इशू नहीं है वायरिंग का। दरमियान की सिग्नल वायर है जो ECU को जाएगी, उस पर क्या सेटिंग है मैं बता देता हूँ आपको भी। आपने क्या करना है, आप ना कहीं से भी कोई भी एक वायर ले लें, उसको भले आप यहाँ से यूँ इसके अंदर डाल दें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप वायर यहाँ पे यूँ डालना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं पे बस शार्ट ना हो किसी और चीज़ के साथ, ताकि आपके ECU या ECU कहीं किसी और चीज़ का कोई मसला ना बने। एक तरीका ये है जो मैं तरह यूँ कर रहा हूँ, मैं इसके जो ग्रिप्स हैं वो अभी कहीं दूर जाके मैंने कहीं इसमें कहीं होगा तो होगा ज्वाइंट होगा, वरना इसमें ज्वाइंट नहीं है, वरना आपने सेंटर वायर को कहीं से हल्का सा छील लेना है और वहाँ से फिर मल्टीमीडिया की तार लगानी, मल्टीमीटर की तार लगानी। ये मैंने यूँ दरम्यान में ग्रिप वक्ती तौर लगा के एक तार ये लगा दी है मैंने, ठीक हो गया, सिग्नल वायर मैंने बाहर निकाल लिए इस तरह से, वरना आप यहाँ से जोड़ लगा के थोड़ा सा छील सकते हैं तार को। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये पॉजिटिव यहाँ लगाना है, ये आपने ग्राउंड लगाना है, ठीक हो गया, ये इसकी दूसरी वायर, ये आप कहीं ग्राउंड अच्छी तरह इसको फिक्स करें पहले तो। ये देखें मेरा है 0.44 पे एडजस्ट, ठीक है 0.44, इसको कहीं पहले ग्राउंड सही तरह फिक्स कर लूं तो फिर आगे इसको बाकी का देखते हैं। अच्छा मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गया, क्योंकि मैंने कोई 20 वीडियो बनाई है, कभी कोई मसला आ रहा था, कभी कोई मसला आ रहा था, कोई पकड़ने वाला नहीं था। अच्छा अब आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि 700 RPM में इसको पहले गर्म गाड़ी का थ्रॉटल एडजस्ट करनी है आपने नट से, उसके बाद आपने ये दो पीछे नट लगे होते हैं ये एलकी से खुलते हैं वैसे, लेकिन मैंने इसको चार मुंह के पेचकस से लगाए क्योंकि एलकी लाना और पेचकस आसान काम हो जाता है। ये पीछे लगे हुए इधर आगे रहो, ये दो नट लगे होते हैं इसके एडजस्टेबल। अब देखें मैं ढीला किया तो ये मूव कर रहा है, अब ये वोल्टेज दिखाओ, अभी देखिएगा इसके वोल्टेज बढ़ गए, ये इसके वोल्टेज काफ़ी कम हो गए। आपने थ्रोटल नट से 700 RPM एडजस्ट करना सबसे पहली बात गर्म गाड़ी का, ठीक है, उसके बाद आपने ये TP सेंसर को एडजस्ट करना है 0.45 पे, वैसे 50 होता है, 0.50 होता है आई जो गाड़ी का कंपनी रिकमेंडेशन कह लें या जिस पे कह लें कि आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म भी करती है पिक वगैरह के लिहाज से। अगर आप लेकिन ये अच्छा इंजन है, इसमें कोई इतना इशू नहीं आता पिक का, आप इसको 0.45 पे एडजस्ट करें तो कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी इतना पिक में फ़र्क नहीं डालती 0.45 पे भी। देखिए मैंने 0.45 पे इसको एडजस्ट कर दिया है, सही हो गया, फिर थोड़ा सा हिल गया, ओ खराब हो गया है, मैं दोबारा फेल करूँ, इसको कैलिब्रेशन होती थोड़ी सी इसकी तरह मुश्किल ही है। अच्छा ये आप सेट हो गई है जी 0.45 पे इसका थ्रो, अब मैं आपने टीपी से चेक करने से करें इसको 0.45 पे सेट करें, ये मैं रेस दूंगा, ये थोड़ा बढ़ गया और रेस जी और बढ़ गया, ये देखें यूँ बढ़ता जाएगा, ये देखें इसका मतलब है कि ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता ये रीडिंग कम करे तो मतलब कि तब भी ठीक है, अगर ये फ्लक्चुएट करे मतलब कि जिस तरह से मैं आराम आराम से दे रहा हूँ लेकिन ये यूँ यूँ इस तरह की रीडिंग दे, ये देखें ये ऐसे 1, 2, 1, 2, 3, अगर ये हल्का हल्का बढ़ाने पे यूँ रीडिंग दो तो ये ख़राब है, फिर आपने इसको लाजमी चेंज करना है, सही हो गया। ये देखिए ये आराम आराम से सही बढ़ा रहा है और ये सही लेवल पे कम कर रहा है, इसका यही मतलब हुआ कि ये TP सेंसर ओके है, अगर आपका फॉल्टी होगा तो ये अप डाउन रीडिंग गलत देगा, कभी कुछ तो कभी कुछ।
अब ये हो गया आपका जी मैप सेंस, टीपी सेंसर चेक करने का तरीका। मैं मैप का बताता हूँ, एक सेकंड वेट करें।